नमस्कार दोस्तों, हमारे एक नए वीडियो में इस वीडियो में आपको बताएंगे शर्ट का आर्मोल बाजू जोड़ना, किस तरह जोड़ेंगे, इसको गुम करेंगे, ऊपर की सिलाई भी लगाएंगे और इंटरलॉक के बिना ही जोड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखिए किस तरह जोड़ना है इसको। दोस्तों अपनी ये स्लीव है, इसको अब इस तरह ऊपर की ओर राइट साइड है इसकी, और ये बैक की साइड से जुड़ाई कर रहे हैं इसकी। ये शर्ट की बैक साइड है, बैक इसको इस तरह रखना है बिल्कुल बराबर में, ये देख सकते हो आप, बराबर में रखना है। इतना बाजू का कपड़ा ऊपर निकाल के रखना है इतना, इसको इस तरह फोल्ड करना है इसके ऊपर, ये देखिए इस तरह से। जितना दोस्तों आप ऊपर का टांका लगाना चाहते हो उतना ही फोल्ड करें, ज़्यादा ना करें। इस तरह से ऊपर की ओर टांका लगाते जाना है आपको। नीचे जो स्लीव है हल्का सा खींच के रखना है उसको, हल्का सा, ताकि कम ना हो और फिनिशिंग अच्छी आए। तो इस तरह इसको इस तरह हल्का सा खींच के ऊपर इस तरह टांका लगाते जाना है। ये देखिए कट पे कट मिलना चाहिए आपका, तभी बाजू परफेक्ट बैठेगा। इस तरह से आपको स्लीव अटैच कर लेना है इस पर, ये देखिए इस तरह से ऊपर को फोल्ड करना है इस तरह। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। इस तरह से इसको फोल्ड करते जाना है, देख सकते हो आप कितना अच्छे से लग रहा है स्लीव। इसी तरह बिल्कुल प्रॉपर प्रॉपर फोल्ड करते जाना है, और इस तरह पूरा टांका लग गया आपका, एकदम से बराबर लग गया, ये देख सकते हो आप। इस तरह टांका लगा हुआ है इस पर। अब इसके ऊपर की सिलाई देखते हैं किस तरह लगाना है। दोस्तों इस तरह आपको सेट कर लेना है, इस तरह देखिए अब सेट करते जाना है इसको, और सिलाई ऊपर की जितनी दूरी पे आपने फोल्ड किया था उतनी दूरी का ही ऊपर टांका लगाएंगे, कहने का मतलब कि पैर का। इस तरह दोस्तों देख सकते हो आप कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है इसमें, सिलाई में। इसमें एकदम से नम नहीं आएगी, बिल्कुल साफ आएगा। इस तरह से दोस्तों रेडीमेड शर्टों में भी लगा होता है, तो आप इस तरह रेडीमेड शर्ट को लुक दे सकते हो। देख सकते हो आप इस तरह से फोल्ड करके इसको लगाते जाना है आपको टांका कंप्लीट। अब दोस्तों इसका ऊपर का टांका दिखाता हूँ मैं आपको, किस तरह का टांका लगा, कितनी फिनिशिंग अच्छी से आई है, ये देख सकते हो दोस्तों। इसमें 1% नम नहीं है, देखिए दोस्तों अच्छे से। अगर अच्छा लग रहा हो लाइक ज़रूर कर दें। अब देखिए अंदर की ओर से किस तरह इसको बन जाता है, ये अंदर की ओर से इस तरह से देख सकते हो आप। इंटरलॉक का बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहेगा, और ना कि आपको कोई बाजू पे पहले सिलाई करने की ज़रूरत रहेगी। आप देख सकते हो कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। तो अब चलिए दोस्तों आपको साइड भी गुम करना बताते हैं, शर्ट का कैसे गुम करते हैं। तो चलिए शर्ट की साइड गुम करते हैं। आप इस साइड में भी डबल सिलाई लगेगी। इस तरह से आप रेडीमेड शर्ट को लुक दे सकते हो अच्छे से। इस तरह दोस्तों आपको ऊपर की ओर राइट साइड है, और दूसरी जो बैक है वो भी राइट साइड में है। अब इसको इस तरह ऊपर रख के इतना बैक वाले पल्ले को बढ़ा के ऊपर रखना है। इस तरह से आपको टांका लगाना है पैर पैर की दूरी पे। पैर की दूरी से सुई पर ज़्यादा ही कपड़ा लेना होता है इसमें, ताकि पैर का टांका तो ऊपर अपने लगाएंगे। इस तरह से आपको हारमोल बराबर करके चलना है आपको, ताकि बाद में जोड़ बराबर ही बैठे। इस तरह से आपको फोल्ड करते हुए लगाना है। जो अब बाजू के नीचे वाली साइड होती है इसमें थोड़ा नम छोड़ते जाएं, ताकि ये पूरा आ जाए, नहीं तो ये ज़्यादा बढ़ जाएगा, आप इस बात का ध्यान रखना है। इस तरह से इसको फोल्ड करके इस तरह टांका लगा देना है इस पर। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना यार। इतना दो तीन सूत ही बढ़ा है इसको, कोई दिक्कत नहीं होगी इतने से, ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। इस तरह से अब इसके ऊपर किनार का टांका लगाएंगे।
इस तरह से आपको टांका पूरा लगाते जाना है। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दें। यहाँ पे हरम वाली साइड बिल्कुल बराबर स्लीव दोनों साइड का जोड़ आए हैं, इसी तरह बराबर ही आना चाहिए। इस तरह से जितनी दूर टांका इस तरह आसानी से लगता है उतनी दूर लगा लें। इसके बाद में आपको इस तरह से बाजू को इसमें उल्टा कर लेना है, उल्टा लेना है। अब देखिए आगे टांका इस तरह, मैं थोड़ा कैमरा सेट कर लेता हूँ। अब देखिए आगे इस तरह सेट करते हुए पूरा टांका आपको लगाना है। मैंने थोड़ा सा वीडियो तेज किया ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे और आप कम समय में ज़्यादा कुछ देख पाओ। इस तरह से आपकी स्लीव गुम हो जाएगी। दोस्तों आप ये देख सकते हो सेंटर बिल्कुल मिला हुआ है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। आप भी इस तरह रेडीमेड लुक दे सकते हो शर्ट को। धन्यवाद दोस्तों।